दोस्तों आज की टॉपिक है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, हेलो, मैं हूं कमरान अकमल और आप देख रहे हैं हाईफाई ड्राइव। दोस्तों अगर मेरी वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए यूजर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर वन है, गांधी जी ने किसे कवि कहकर पुकारा था? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा क्वेश्चन, दूध से दही किस अम्ल के कारण बनता है या किस कीटाणु के कारण होगा या जीवाणु? तो उसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, या लैक्टिक एसिड जीवाणु हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा वन सुरक्षा यानी वन संरक्षित। यह दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये रचा गया था। क्या हुआ था कि पेड़ों को काटा जा रहा था, उसमें इन्होंने सारे लोगों को जागरूक किया था कि हम लोग पेड़ को चिपक कर के खड़े हो जाएं, इससे कि क्या होगा, पेड़ काटने वाले पेड़ नहीं काटेंगे, ठीक है। ये आंदोलन छेड़ा था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। चींटी के डंक में, चौथा क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाई जाती है? या चींटी अगर डंक मारती है तो किसके कौन से अम्ल के द्वारा आपको दर्द उत्पीड़न होती है? इसका आंसर होगा फार्मिक अम्ल। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर होगा बेगूसराय। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? इसका आंसर होगा चावल। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर होगा HG मरकरी यानी पारा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा जमालपुर। नौवां नंबर क्वेश्चन है, गुंसों की राजभाषा क्या थी? इसका आंसर होगा संस्कृत। नौवां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? दोस्तों आपको पता होगा कि गांधी जी ने पहला भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो ये क्रम आप लोगों का जिन्होंने ये इस क्रम में सजाया है, यह आंसर सही है। दसवां नंबर क्वेश्चन है, गरिमा शब्द में सही प्रत्यय विन्यास है? तो गुरु जोड़ ईमा होगा। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये होगा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से शुरू हुआ था। बारह नंबर क्वेश्चन है, भारत दूरदर्शा नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तेरह नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम इनके बीच का संबंध है? तो प्रतिरोध का मात्रक से। दोस्तों इसके ऑप्शन मेरे पास पता नहीं है मेरे को, तो इसलिए मैंने ये आंसर बता दिया। अब हमें पता नहीं, लेकिन प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो ओम होता है। चौदह नंबर क्वेश्चन है, जेट विमान में किस ईंधन का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा केरोसिन। केरोसिन के साथ साथ और भी बहुत चीज़ का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी फ्रीज और हाइड्रोकार्बन। टरबाइन जो होता है उसमें जंग ना लग पाए, जिसके वजह से ये तीनों चीज़ों का प्रयोग होता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, अपनी कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। सोलह नंबर क्वेश्चन है, दो
कौमा छः कौमा बारह कौमा बीस कौमा तीस कौमा वाट। दोस्तों ये देखिए कि दो छः के बीच में चार गैप है, छः बारह के बीच में छः गैप है, बारह बीस के बीच में आठ गैप है, बीस तीस के बीच में दस गैप है और तीस वाट के बीच में कितना गैप होगा, यानी चार में दो जुड़िए तो छः गैप हो गया, छः में दो जुड़िए तो आठ यानी आठ गैप है, फिर आठ में दो जुड़िए तो दस, तो यहाँ पे दस गैप हो रहा तीस बीस के बीच में, तो दस में फिर दो जोड़िएगा तो बारह हो जाएगा, यानी बारह गैप तो बारह ये इसमें जोड़ दीजिएगा तीस में, तो यहाँ पे 42 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सागर में अधिकतम लवणता पाई जाती है, इसका आंसर होगा मृत सागर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ज्योतिषी को गणित से अलग शास्त्र घोषित किया था गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ब्राह्मिहिर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, इसका आंसर होगा मुंबई। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य खनिज एल्युमिनियम उद्योग में कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है, इसका आंसर होगा बॉक्साइड। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स बने होते हैं किस किस के, मतलब किन दो चीज़ों से मिलकर क्रोमोसोम बने होते हैं, इसका आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन। 23 नंबर क्वेश्चन है, वह लेंस जो आपतित किरण को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। 24 नंबर क्वेश्चन है, राज्य गवर्नर की आयु नियुक्ति समय कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी राज्य में गवर्नर की आयु की नियुक्ति कम से कम कितने वर्ष में होनी चाहिए, तो ये 35 वर्ष अगर होता है तो वो नियुक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, इसका आंसर होगा मुद्रा। इसके पहले क्या था, वस्तु, कि वस्तु से वस्तु लेन देन किया जाता था, लेकिन अब फिलहाल में मुद्रा हो गया है। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा दूध। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी औषधि बुखार को कम करती है, इसका आंसर होगा ज्वरोधी। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, दोस्तों ऑप्शन पता नहीं है तो यहाँ पे कौन सा आंसर दें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमने इसको 28 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, इसका आंसर होगा एनोफ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों, यह प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा जनरेटर, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के सदस्य नियुक्ति किए जाते हैं किसके द्वारा, तो ये इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि पुरुषों में नहीं पाई जाती है, यह आंसर होगा शुक्राशय ग्रंथि। 34 नंबर क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सभा में लाया जाता है, इसका आंसर होगा लोकसभा में।
35 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका आंसर होगा बिहार। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है? इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, BSI हॉलमार्क किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा आभूषण। 38 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? इसका आंसर होगा चंपारण। 39 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। 40 नंबर क्वेश्चन है, शराबबंदी किस राज्य में नहीं हुई है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। उसमें और भी सारा ऑप्शन था, जैसे बिहार, तो बिहार में तो शराबबंदी हुई है, गुजरात वहाँ पे भी शराबबंदी हुई है, और एक ये ऑप्शन है राजस्थान, तो यहाँ पे शराबबंदी नहीं हुई है, तो इसका वाला आंसर राजस्थान होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संप्रभुत्व किसको इंगित करता है? इसका आंसर होगा भारत की जनता। 45 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधवा विवाह किसके द्वारा संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1856 में इन्होंने यह कार्य के लिए काम शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।